तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे तू बख्शीश कर, तू बख्शीश कर। हे भगवान, तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से पानी भरा हुआ है, ये हमारे घर से कुछ ही दूरी पे है। तो पिछले मंडे कितना खौफ था लोगों को, कितना डर था। तो मैंने भी आपसे बात की थी कि मैं मौत से नहीं डरती, अगर आ गई तो कोई नहीं रोक सकता। तो मैं तो थोड़ी सी शूटिंग बना रही थी, आप देख रहे खंबे पे मोर बैठा है, इस मोर की शूटिंग कर रही थी और इसके चलते पानी की भी शूटिंग होगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, नदी नालों में काफ़ी ज़्यादा पानी है और इससे काफ़ी खौफ था लोगों के डर में। और खौफ देखा जाए कहीं ना कहीं सच्चा भी था, बहुत से लोग तो घर से बेघर हो गए हैं, बहुतों ने अपनों को खो दिया है, बहुत जीव जंतु जैसे कि पशु पक्षी भी मर गए हैं। पहले कोरोना काल में कुछ तबाही सी मची थी और अब इस बारिश से जो है, बारिश तो बहुत ज़्यादा नहीं हुई, जो पानी पीछे से छोड़ा गया है उसके चलते ये इतनी तबाही हुई है। मेरी तो मालिक से यही दुआ है कि मालिक जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो घर से बेघर हुए हैं, उन बेचारों को फिर से मालिक इसी तरीके से जैसे पहले उनका कारोबार चल रहा था, फल रहे फूल रहे थे, कुछ इसी तरीके से फिर से फलें फूलें और अपना पिछला दुख भूल करके आगे को बढ़ें। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये फ्लैटों का जो कोना मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर चढ़ के वो बेचारे देख रहे हैं और ये नीचे वाला पोर्शन देख रहे हो, पानी बहुत ही कम दूरी पे है नीचे वाले पोर्शन से। बीच में 7-8 फीट की दीवार है, बस वो दीवार खड़ी थी, अगर वो टूट जाती इस पानी के जोर से तो पानी इधर भी वार कर जाता। तो मालिक की दया से बचाव हो गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अच्छी लगी वीडियो लाइक।